उसने फौज और लोगों के दिल जीतकर कुछ और इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए और सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ अपनी तवज्जो दी। उसने एक रात ख्वाब देखा कि उसके महल के एक कमरे में एक दरख्त पैदा हुआ जो बढ़ता गया और छत फाड़कर ऊपर चला गया और वो इतना ज़्यादा फैला कि आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया। इस ख्वाब ने सबुकदीन को परेशान कर दिया। उसने ये ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया, वो चुप रही। इसके फौरन बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। उससे इस तरह ये परेशानी अपने आप ही दूर हो गई। उसकी बीवी ने उससे कहा कि आपके ख्वाब की ताबीर आपके सामने आ गई है, मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है जो बातिल शिकन होगा। आज मुहर्रम की 10वीं है, इस इशारे को समझें। अमीर सबुकदीन ने अपने बच्चे का नाम महमूद रखा। सबुकदीन ने उसे अपनी तवज्जो का मरकज बना लिया। बचपन में ही उसे कुरान हिफ्ज कराना शुरू कर दिया। उसके लिए खास अतालीक रखे जिन्होंने महमूद को इल्म भी दिया और जंगी तरबियत भी।